जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री उषा बहन जी का जीवन चरित्र। गोपियों की दशा। गोपियाँ कहती हैं, अब यह प्रेम ज्वाला धधक उठी है, हम उसे सहन करने में असमर्थ हैं, इसलिए हे श्री कृष्ण, अपने हास अवलोकन एवं मधुर गान से उत्पन्न इस हृदय अग्नि को तुम ही अपनी अधर सुधा धारा के प्रवाह से शीतल कर दो, हमारे संतप्त हृदयों को सींच दो। इसी मांग में भरी यह ब्रजांगनाएं अकुला उठीं, विवश परवश हो गईं। उनकी यह विवशता किन्हीं सुनील सुंदर की सन्निधि पा सफल हो गई और ये अपने सौभाग्य पर प्रसन्न हो गईं। यह विचार विचार मात्र नहीं है, श्याम सुंदर की सन्निधि सुख की चाह सदैव उनकी सन्निधि पाकर ही सफल होती है। इन्हीं भावों में पूज्या उषा जी श्री वृंदावन धाम में प्रिया प्रियतम की कृपा की अनुभूति कर उसमें आप्लावित तथा मज्जित होती, निरंतर उस रस में मग्न रहती। उनकी प्रत्येक बात श्याम सुंदर को लेकर थी, उनका प्रत्येक श्वास श्याम सुंदर को लेकर ही था। वे चर्चा करती श्री ठाकुर जी की तथा संपूर्ण व्यवहार श्री ठाकुर की सेवा को लेकर ही करती, निरंतर उसी भावधारा में मग्न एक स्थान पर अपने भाई बहनों को समझाते हुए कहती हैं, रास्ता काटने का लाभ जप करते जाने में है। रास्ते रास्ते की बात है, कोई कोई रास्ता अपने में आप ही लाभ है, किसी रास्ते में जाने पर लाभ परम लाभ स्वयं ही अउपस्थित होता है, और किसी किसी भाग्यशाली का हर रास्ता लाभप्रद होता है, उसके प्रत्येक रास्ते में लाभ स्वयं समुपस्थित रहता है, या यों कहो उस रास्ते ही उसके पांव पड़ते हैं जिस जिस रास्ते में कोई उसका रास्ता देख रहा हो। कई बार किसी का रास्ता देखते देखते पांव स्वतः उस रास्ते पर अग्रसर होते हैं, कईयों के लिए रास्ता ही मंजिल हो जाता है और अनेकों के लिए मंजिल ही रास्ता बन जाती है। संसार में हर रास्ता हर एक के लिए नहीं है, पर हमारे प्रणय सम्राट की रसीली नगरी में ऐसा कोई नियम नहीं है, वहाँ तो किसी रास्ते से चलो लाभ ही लाभ है, रस ही रस है, आनंद ही आनंद है। रास्ते पर चलने का आनंद, चलते चलते पांव ठिठक जाने का आनंद, रास्ते में ही किसी रसिक किशोर के अनायास मिल जाने का आनंद, ऐसे सरसीले रास्ते को छोड़ संसार के रास्तों में भटकना कौन से लाभ की बात है। काश हमें रास्ते पर चलना आ जाए, चाहे लड़खड़ा कर चलें चाहे डगमगा कर, पर अपना रास्ता न छूटें। वह डगमगाहट किसी का आश्रय पाने के लिए हो। पूजनीय उषा जी की प्रत्येक बात श्याम सुंदर से संबंधित रही, उन्हीं से जुड़ी रही, उनकी प्रत्येक क्रिया का आश्रय श्याम सुंदर ही थे। उठते बैठते जागते सोते कार्य करते किसी से बात करते, यहाँ तक कि अपने अनिवार्य दैनिक कृत्यों में भी वे श्री राधा कृष्ण भाव भाविता ही रहती थी। एक बार सुरस विहार पश्चात प्रियतम श्याम सुंदर के पुनः पुनः रोकने पर भी श्री राधा आग्रह पूर्वक अपने भवन को चली आईं। बहुत श्रमित थीं वे, सो चली आईं। अपनी किसी निजी सेविका को आदेश दिया कि जब तक मैं स्वयं न बुलाऊं मेरे कक्ष में कोई न आवे। उन्हें क्या पता था कि रसिक शेखर छलिया उनसे भी पूर्व वहां आ उन्हीं की शैया पर लेट गए हैं। अभी अंधेरा ही था, किशोरी जी अपने वस्त्र बदल पर्यंक पर लेटने को तत्पर हुई। उन्हें बड़ा आश्चर्य था कि जब से वे आई हैं तभी से कमरे में प्रियतम की गात सुर भी महक रही है, पर तब भी उन्हें संदेह नहीं हुआ कि वे यहीं होंगे। वे यहीं समझती रहीं कि इतनी देर उन्हीं के संग रहने के कारण उनका अपना ही कलेवर उस उन्मादकारी सौरभ से सुवासित हो रहा है। अंग अंग से अंग संग से सुरभित हो जाना, आहा आहा, कितने सौभाग्य की बात है कि उनकी हर बात उन्हीं को लेकर तथा उन्हीं के साथ है। उनका वह साथ रस माधुरी में सराबोर कर देता है, जहाँ इति है ही नहीं अथ ही अथ है।
माधुर्य सिंधु की लहरियों में तरंगित होते रहने पर इति का प्रवेश ही क्यों कर संभव है। उस अगाध रस सिंधु की थाह कौन पा सकता है भला। आस्वादन आस्वादन पुनः आस्वादन में ही मग्न रह जाता है। पूजनिया उषा जी वृंदावन में निवास करती लीलाओं के सतत आस्वादन में मग्न हो जाती। अनेक बार उनकी यह रसानुभूति लेखनीबद्ध भी हो जाती। कभी अपने आध्यात्मिक भाई बहनों को यहाँ का विवरण लिखकर भेजती तो उसमें उनकी विचारधारा, प्रिया प्रियतम की दिव्य लीलाओं, उनके एकांतिक विहार विलास तथा निकुंज लीलाओं का चित्रण सहज हो जाता। कभी ग्रंथ अध्ययन करते करते रसिकों के पदों और श्लोकों के भावों में मग्न पूजनिया उषा जी का भाव तादात्म्य उनके अनुभवों से हो जाता तो उनका हृदय सरस जाता। ऐसी ही अनेक लीलाओं का सरस वर्णन उनकी लेखनी का सहज विषय बन जाता है। श्री वृंदावन में सरसीली वर्षा ऋतु का वर्णन करती हुई कहती हैं, यह श्री धाम वृंदावन है। सावन का हरियाली मंडित सजीला मास है। वर्षा की रिमझिम है, बादलों को उमड़ घुमड़ है, बादलों की उमड़ घुमड़ है, दामिनी की चपल आँख मिचौनी है, शीतल सुखद समीर के झोंके हैं। श्री वन की मनोरमता के इस साम्राज्य में कोई रसिक सांवर किशोर अपनी मधुरिम छटा, अपनी अनुराग मदिरा लुटा रहे हैं। उनके मदमस्त नैनों से रस बौछार हो रही है, उनके रोम रोम से मद छलक रहा है और ब्रज बावरियों का समूह उसमें भीग रहा है। वे सब उस रूप सिंधु की रस लहरियों में सिक्त विवश परवश हो शुद्ध तरंगिणी सी अपने उसी मदाब्धि के अंक में जा समाने को विकल हुई धावित हो रही हैं। वसुंधरा का हरिताभ सौंदर्य, गगन की नीलाभ कांति उन्हें रस विवश कर रही है किसी श्यामल सुषमा में खो जाने को। और वे रसिक नागर, वे तो सदा सदा तत्पर हैं ही। आहा, यह वृंदावन है, यह ब्रज निकुंजे हैं। और बस, वृंदावन की सरसता तो अपने में ही एक मादक सौंदर्य है। इसी सौंदर्य सुषमा का उपभोग करती यह ब्रज रमणियां अपने धैर्य को संभाल नहीं पाती। और यह नील किशोर बरबस ही, अरे वह देखो, अरे देखो तो सही, वह कोई नील किशोर मूर्तिमान माधुर्य, मधुर से मधुर, माधुर्य के संपूर्ण अक्षय कोश की मधुरिमा से भी मधुर और मन्मथ के सृष्टा, उसके उत्पादक, हाँ, जिनकी अंग मधुरिमा रूप सुधा धारा में आप्लावित हम ब्रज सुंदरियों में, ओह, हमारे उर अंतर में उनकी माधुर्य पगी चितवन रस संचार कर देती है। उनकी हास अवलोकन की पयस्विनी की मदिर हिलोरें हमारे मन प्राणों में काम का अंकुर का उदय कर हमें विवश परवश कर, उफ, अपने को संभालना कठिन हो जाता है उस समय। मधुरिमा और मादकता का ही आलय हो ऐसा नहीं है, यह नव नव भावोद्दीपनकारी नटखट प्रियतम की चपलता साकार चपलता से भी अधिक चपल है। इनके अंगों में कितनी, इनकी मुद्राओं में कितनी चपलता है, इनके क्रियाकलापों में कितना चांचल्य है। चपलता चंचलता से भी अधिक चपल चंचल हैं यह चितचोर। हाँ, तो यह चितचोर चंचल भी है और चपल भी। वे इस चंचलता और चपलता की बात कहने और सुनने को उत्सुक रहते ही हैं। और इधर यह अबलाएं सुनाती तो हैं ही, परंतु अपने प्राणधन प्रियतम से कुछ सुनने को भी व्यग्र बनी रहती हैं। यह सुनना और सुनाना भी एक मधुर और रसीली वार्ता की भूमिका है, अथवा रसीली वार्ता ही है। इन्हीं भावों में मग्ना पूज्या उषा जी कहती हैं, कहने और सुनने की चाह प्रेमिल हृदयों को बनी ही रहती है, पर प्रेमियों के संसार में आज तक कह सुनकर किसी को संतोष नहीं हुआ। क्या कहें क्या सुने और क्या ना कहें क्या ना सुने, विधि गति कैसी कुटिल है। प्रेमी हृदय को संतोष क्यों नहीं दिया उसने, पर नहीं नहीं, विधि गति की पहुंच वहां कहां। प्रणयी प्रियतम के अतिरिक्त अन्य सबकी गतियों पर है, पर अवरोध है वहां।
वे प्रणयदाता जब स्वयं ही असंतोष और बेचैनी से अलंकृत हों, आकुलता विकलता के अनमोल मुक्ताओं से भूषित करते हों, तो अन्य कोई वहाँ चैन और तृप्ति का संचार कर ही कैसे सकता है। असंतोष और बेचैनी की धूम सी मची है, यह रस हिलोरें एक ही ओर हो ऐसा नहीं है। इसी असंतोष और बेचैनी से स्वयं भी इसी स्थिति को प्राप्त हो प्रियतम के आश्वासनों से, उनसे प्राप्त मधुर भावनाओं से ओतप्रोत यह ब्रज बालाएं प्रतीक्षा कर धन्य हो जाती हैं। शरद रात्रियों की मोहकता का अनुमान प्रेम रंग में रंगा हृदय ही लगा सकता है, पर उस मोहकता में मुग्ध हो यह मोहन मोहिनी ब्रज सुंदरियां ही डूब सकती हैं। इन माधुर्य रंजित राकाओं का उपयोग यही करती हैं और उसे और अनुरंजित अभिनंदित करते हैं। यह राग रंग भरे रसिया प्रियतम इन्हीं शरद निशाओं की शीतल चांदनी में प्रेम रस के विविध रहस्य खुले, प्रणय निधि का प्राकट्य हुआ ब्रज निकुंजों में। आज तक भी प्रेमी जन उसी से आधार पाकर प्रतीक्षा में संजोई प्यार की मूर्ति को प्रत्यक्ष कर रहे हैं। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे।